बांसगांव पुलिस ने हत्या के प्रयास में वांछित दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में बांसगांव थाना प्रभारी राणा देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस की टीम ने मालहनपार से परसिया जाने वाली रोड पर स्थित चनहर पुलिया के पास से दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान सत्यपाल यादव पुत्र स्वर्गीय दयाशंकर यादव थाना बांसगांव तथा ओम प्रकाश यादव पुत्र रामवृक्ष यादव निवासी ग्राम शहरो थाना बांसगांव के रूप में हुई है, जिनके पास से घटना में प्रयुक्त एक पिस्टल, तीन खोखा, एक बुलेट के आगे का हिस्सा सहित सफारी वाहन को अभियुक्त के घर से बरामद किया गया है। बांसगांव थाना प्रभारी ने बताया कि 11 जून को दिन में 2:30 बजे ग्राम प्रधान सत्यपाल द्वारा ग्राम शहरों में चक्रोड की समस्या के समाधान के लिए हल्का लेखपाल को बुलाया गया था। वहीं मौके पर सत्यपाल यादव के पटीदार ओम प्रकाश यादव आए और सत्यपाल यादव से चक्रोड निकलवाने की बात को लेकर विवाद होने लगा, जिस पर सत्यपाल यादव तथा उसके सहयोगी ओम प्रकाश पुत्र रामवृक्ष के साथ मिलकर ओम प्रकाश पुत्र राम शब्द को मारने पीटने लगे। इस दौरान आक्रोश में आकर सत्यपाल यादव ने अपने अवैध पिस्टल से ओम प्रकाश पुत्र राम शब्द पर गोली चला दिया, लेकिन ओम प्रकाश बाल बाल बच गए तथा चीखते चिल्लाते हुए जान बचाकर भाग गए। उसके बाद सत्यपाल यादव ने उनको फंसाने की नीयत से अपने ही सफारी गाड़ी पर 3-4 गोली मार दी और बोला कि आज फायरिंग कर तुमको ही जान से मारने का प्रयास में फंसाऊंगा। उन्होंने बताया कि स्थानीय पुलिस और फोरेंसिक टीम की जांच में ज्ञात हुआ कि वादी के ऊपर फायरिंग करना व घटना के स्वरूप को बदलने के लिए अपनी ही गाड़ी पर फायरिंग करने का मामला प्रकाश में आया है और कथित फायरिंग की घटना फर्जी निकली, जिसको देखते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में बांसगांव थाना प्रभारी राणा देवेंद्र प्रताप सिंह, वरिष्ठ उप निरीक्षक राजीव कुमार सिंह, उप निरीक्षक मनीष कुमार यादव, कांस्टेबल धनेश कुमार, पवन यादव, सुनील यादव सहित महिला कांस्टेबल रीमा यादव शामिल रहीं।